डियर स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स हमने क्या है कि 11th की जो ये सीरीज चल रही है इसके पहले हमने 3 वीडियो कम्प्लीटली क्या है 11th की अपलोड कर दिए हैं और इसका एक चौथा वीडियो अपलोड होने वाला है जिसमें आज डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में, असमिका के बारे में। तो 3 वीडियोज जो पीछे के लेक्चर के हैं क्लास 11 के, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से आप देख सकते हैं। आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी के बारे में शुरुआत करते हैं। तो जनरली हम लोग व्यवहारिक ढंग से एक बार शुरुआत करते हैं कि मान लो आपकी मदर हैं, आपको 200 रुपये देती हैं और ये कहती हैं कि आप जाओ मार्केट में और 2 किलो जो है सेब ले आओ और 2 किलो अंगूर ले आओ, है ना। तो क्या होगा, मैंने मान लिया कि 1 किलो सेब का दाम जो है 100 रुपए है, तो 2 किलो जो सेब का दाम हो जाएगा, है ना, 2x हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि 2 ही किलो अंगूर भी ले आना है, तो 1 किलो अंगूर का दाम अगर y रुपए है तो 2 किलो अंगूर का दाम 2y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर मान लो दुकानदार पूरे पैसे रख लेता है, रखने का मतलब है कि पूरा पैसा जो है अंगूर और सेब देने में खर्च हो जाता है, तो आप लिखोगे 200 रुपए। मीनिंग ये हुआ, अगर 1 किलो सेब का दाम x रुपए है तो 2 किलो सेब का दाम 2x हो गया, 1 किलो अंगूर का दाम अगर y रुपए है 2 किलो का हो गया 2y, और दोनों को मिला करके आपका पूरा पैसा जो है खर्च हो जाता है, तो आप लिखोगे बराबर 200। तो इस केस में आपके सामने लिखने का तरीका तो ए हो गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, समीकरण। मतलब जब दो एक्सप्रेशन के बीच में, एक्सप्रेशन मतलब हो गया व्यंजक के बीच में, जैसे ए चीज क्या है, कौन सा व्यंजक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, है ना। जब दो व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह लगता है तो वहां पर ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, समीकरण में या इक्वेशन में। ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब दोबारा आपकी मम्मी कहती हैं कि आप मुझे जाओ मार्केट में, देती हैं 200 रुपए और कहती हैं 1 किलो सेब ले लो और 1 किलो ही अंगूर लो, तो आप क्या लिखोगे, 1 किलो सेब का दाम अगर x रुपए है तो 1 किलो सेब का दाम कितना हो गया x रुपए, और 1 किलो अंगूर का दाम अगर y रुपए है तो x+y हो जाएगा। और अगर आपको 200 रुपए देती हैं तो ऑब्वियस है कि अब आपके पूरे के पूरे 200 रुपए खर्च नहीं होंगे, निश्चित है कि अब आपको 200 रुपए से कम आपको दुकानदार को देने होंगे। तो मीनिंग क्या हुआ कि आप इसको ऐसे लिखोगे कि x+y <200, मतलब 200 रुपए से इन दोनों के दामों का योग जो होगा कम होगा। तो यही जो चीज है, ये जो चीज लगा हुआ है, यही क्या है बेटा, इनइक्वालिटी है, यही असमिका है, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, असमिका, राइट। तो जब भी कभी दो व्यंजकों के बीच में, दो एक्सप्रेशन के बीच में, है ना, ये वाले चिन्हों का प्रयोग हो, लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब छोटा है या बड़ा है, या लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का प्रयोग होता है, तो वहां पर हमारे पास में किसका जन्म होता है, असमिका का या इनइक्वालिटी का जन्म होता है। तो ये क्या हो गया बेटा आपके सामने, इनइक्वालिटी हो गई, ये आपके सामने क्या हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, राइट। तो अब यहां पर भी बेटा अपने आपको दो बातें सीखनी है कि जैसे मान लो कि आपके सामने ऐसे लिखा है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, है ना, या आपके सामने मान लो ऐसे लिखा है y इज ग्रेटर देन x, है ना। तो इस प्रकार की जो इनइक्वालिटी होती है इसको बेटा बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, या इसको हिंदी में दृढ़ असमिका के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इसी इनइक्वालिटी के बीच में जैसे मान लो x² इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दे दिया गया, या ऐसे लिख लेते हैं x² + y² इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2xy दे दिया गया, या इसी के हिसाब से ऐसे दे दें कि x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू y और y इज ग्रेटर आर इक्वल टू y, जब ग्रेटर आर इक्वल टू y या लेस देन आर इक्वल टू y ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लेस देन भी अगर इक्वल टू में लग जाएगा। तो इस तरीके के केसेस में आप ये जानते रहें, इसको हम लोग
लचीली असमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लचीली असमिका, है ना। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैक, स्लैक इनइक्वालिटी। तो आपके सामने इनइक्वालिटी इस तरीके से हमारे पास में टू टाइप्स की मेनली होती है। कई कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कि आपके सामने x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस, जैसे मान लो कि आपके पास में x की वैल्यू जो है, या 2x की वैल्यू मान लो ग्रेटर देन x प्लस 2 है बट लेस देन, है ना, आपके सामने मान लो 4x है, ऐसे दे दिया गया। 2x की वैल्यू ग्रेटर देन x प्लस 2 है, लेस देन 4x है। जब दो बार असमिका का प्रयोग होता है तो वहां उसको हम डबल डबल इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं जिसको अपने आप को जानना जरूरी है। अच्छा, ये इनइक्वालिटीज जो होती हैं, असमिका जो होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, रियल नंबर्स या रियल एक्सप्रेशन के केस में ही आती हैं, मतलब वास्तविक व्यंजक के ही केस में आती हैं। जैसे मान लो 5 और 3 दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, 5 इज ग्रेटर देन 3। या अगर हम बात करें -5 और -3 के बीच में होगा तो -5 इज लेस देन -3, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि आपके पास में 2+2i इज ग्रेटर देन 1+i, तो ये हमारा कहना बिल्कुल गलत है। कभी भी आप ये ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में या कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से कंपेयरेबल नहीं होते हैं, उसमें असमिका लागू नहीं होगा। वहां पर ये दोनों एक दूसरे से बड़े या छोटे नहीं होते हैं, इसको हमेशा अपने जहन में रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर विल नेवर बी ग्रेटर और इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू ईच अदर, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और भी बेसिक बात बता दें, इनइक्वालिटी के केस में जब भी कभी, है ना, जो वेरिएबल्स होता है, जैसे मान लो कि आपने लिखा x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5, तो यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी होती है। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा कितनी होती है बेटा, 1 होती है, तो उन्हें लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। और यहाँ पर चूंकि 2 वेरिएबल है तो लीनियर इनइक्वालिटी विथ 2 वेरिएबल बोला जाएगा। और अभी आप जो कि जूनियर क्लास में पढ़ रहे हो, 11th क्लास में, तो लीनियर इनइक्वालिटी है लेकिन यहाँ पर ओनली 1 वेरिएबल है। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमेशा जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब में जो वेरिएबल्स है वो हमेशा कितना है, 1 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक शुरुआत यहाँ पर होती है। अब डिस्कस करने वाले हैं कि इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। चलते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी, असमिका को हल करने का तरीका। देखो, समीकरण के केस में अगर दोनों समीकरण सेम हैं, मान लो कि 5 यहां लिख दिया, 5 यहां लिख दिया, ये दोनों क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो चाहे तो दोनों में आप कोई भी समान संख्या ऐड करो या कोई भी समान संख्या घटा दो या कोई भी समान संख्या मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या कोई भी समान संख्या इसमें से डिवाइड कर दो, आपके पास में जो समीकरण है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो चाहे माइनस वाला हो भाग देने पर करो, चाहे वो प्लस वाला हो, हर केस में ये समीकरण क्या होता है, आपस में समान होता है। लेकिन बात हो रही है बेटा यहां पर किसकी, इनइक्वालिटी की। अब इनइक्वालिटी के केस में वैसी कहानी नहीं होती जैसे हमारे समीकरण के केस में होती है। अगर मान लो कि आपके सामने कोई दो संख्या है, एक a है और एक b है, अगर a जो है b से बड़ा है, है ना, अब कोई समान संख्या अगर इन दोनों में जोड़ते हो तो कंडीशन क्या है, जैसे मान लो आपने दोनों तरफ c जोड़ दिया, यहां भी और यहां भी, तो असमिका के चिन्ह में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात ये समझ गए आप, एक बात, ठीक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नॉट इफेक्टेड, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं क्या करूं, समान संख्या दोनों तरफ बराबर घटा दूं, जैसे घटा दिया, इस साइड भी सी घटा दिया और इस साइड भी सी घटा दिया, तब भी आपके असमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे समीकरण में व्यवहार होता था वैसे यहां।
उसी प्रकार से अगर मैं इनमें क्या करूं, समान धनात्मक संख्या से इनमें दोनों में गुणा कर दूं, जैसे हमने a इंटू सी यहां कर दिया और b इंटू सी यहां कर दिया, तब भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर? इसके चिन्ह के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी चौथी कंडीशन क्या है कि अगर मैं दोनों तरफ समान धनात्मक पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड भी कर दूं, पॉजिटिव नंबर से अगर मैं डिवाइड भी कर दूं, तब भी अपने इनइक्वालिटी जैसा है वैसा ही रहेगा, चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू है वही रहेगा, लेस देन आर इक्वल टू है तो वही रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि इन सारे केसेस में असमिका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसी ही कंडीशन आपके सामने दी जाए और आप क्या करो, दोनों तरफ माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाली संख्या, जैसे मान लो माइनस सी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ए इंटू सी हो जाएगा, यहां पर सी से माइनस से माइनस वाले सी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी इंटू सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस असमिका का चिन्ह बदल जाएगा, इस असमिका का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात है कि अगर समान ऋणात्मक संख्या से भाग दे दो, जैसे मान लो माइनस सी से यहां भाग दे दिया और यहां भी माइनस सी से भाग दे दिया, समान ऋणात्मक संख्या से भाग दे दो, तब भी असमिका का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। इस तरफ रहेगा तो इस तरफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? दो केसेस को हमेशा अपने दिमाग में रखना। बहुत सारी असमिका में रूल्स आपको बताए जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, इन्हीं दो रूल्स को हमेशा फॉलो करना। इनमें तो नॉट अफेक्टेड होता है, यही दो रूल्स अपने दिमाग में रखना, असमिका का कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। केवल दो कंडीशन कि किसी भी ऋणात्मक संख्या से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो असमिका का चिन्ह जो है बदल जाएगा, डिवाइड करेंगे तब भी बदल जाएगा। अब यही दो रूल्स आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, सारे के सारे क्वेश्चन ए टू जेड आपको आ जाएंगे। अच्छा, ये कैसे होता, कैसे एक एग्जाम्पल देके समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं इस वाले का पहले देता हूं, जैसे मान लो 5 जो है 2 से बड़ा है, अब मैंने इसमें समान संख्या 3 से गुणा कर दिया तो 5 × 3 और यहाँ 2 × 3 तो 5 × 3 = 15, 2 × 3 = 6, आप देख रहे हो वही चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर इस केस में होता, 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है और मैंने दोनों तरफ -3 से गुणा कर दिया, दोनों तरफ -3 से गुणा कर दिया यहाँ और यहाँ, तो आप देखो यहाँ पर हो जाएगा -15, यहाँ हो गया -6। आपको मालूम है कि -6 हमेशा -15 से बड़ा होता है। तो दो कंडीशंस हैं, इन दोनों ही कंडीशंस को आप असमिका में आप हमेशा रखेंगे, राइट, और इसको दिमाग में रखेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो अब इतना ही इसमें थ्योरी है, कुछ नया नहीं है। अब मैं आपको एक्सरसाइज, तो डियर स्टूडेंट्स अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं 6.1 के। 6.1 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ पॉइंट, एक पॉइंट आप देख लो जो कि कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कभी भी आपके सामने मान लो कोई संख्या मॉड एक्स है और वो मान लो ऐसे आ जाए, ए के रूप में आ जाए, मॉड एक्स इज लेस देन ए, तो ये समझ लेना कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू जो है माइनस ए से तो बड़ी होगी बट लेस देन ए होगी, तो इसको हम इस तरीके से असमिका में लिखते हैं। दूसरी एक बात और भी आपको सामने देखने को मिलेगी कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है तो इस केस में क्या होता है कि x की वैल्यू तो a से तो बड़ी आएगी बट x इज लेस देन माइनस a आएगा। बस समझ में, हमेशा ये ध्यान रखना कि मॉड x की वैल्यू अगर a से बड़ी है तो x की वैल्यू माइनस a से बड़ी होगी और a से छोटी होगी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और इस केस में अगर मॉड x इज ग्रेटर देन a है तो उस केस में जो आपका x आएगा वो a से बड़ा होगा या लेस देन माइनस a होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, तभी क्वेश्चंस इस पे कंपटीशन में आप सॉल्व कर पाएंगे। अगली वाली एक्सरसाइज जो हमें यहां पर सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 6.1, उसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। 24x इज लेस देन 100, तो x के समस्त मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो छोटे छोटे इसी में ही पार्ट दिए हैं कि यदि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और x बिलोंग करता है इंटीजर से, तो देखो कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया है कि जब तक ऋणात्मक संख्या का गुणा या भाग ना आए तब तक आपको
डिस्टर्ब होना ही नहीं है। जैसे समीकरण वाला क्वेश्चन करते थे वैसे ही करते जाना। दोनों तरफ हमने 24 से भाग दे दिया, तो 24 से भाग दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 24 क्या है, धनात्मक संख्या है। अब इसको बेटा हमने भाग दे दिया तो ए हो गया 25, ए हो गया 6, तो सॉल्व करने के बाद में आ गया x इज लेस देन 4 की पावर 1/6, मतलब x की वैल्यू 4 से 1 बटा 6 से छोटी आ गई। बस समझ में आई? अब 4 से 1 बटा 6 से छोटी आ गई, लेकिन हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। तो नेचुरल नंबर 4 से 1 बटा 6 छोटी क्या होती है, यदि आपके सामने x बिलोंग टू नेचुरल नंबर होता है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी, है ना, यही संख्या आएगी आपके सामने 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और अगर मान लो, अगर मान लो ए है, x बिलोंग टू इंटीजर है, तब इसी चीज में हम लोग कैसे करते, अगर यही दूसरी वाले पार्ट से होता, x बिलोंग टू इंटीजर होता, तो 4 से 1 बटा 6 से छोटा कितना होता है, देखो इंटीजर में जैसे ये कहां से कहां तक जा रही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है, तो 4 से 1 बटा 6, तो जैसे ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 4 से 1 बटा 6 यहाँ होगा, लेकिन आपको इंटीजर्स लेना है, तो इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे, इसके सारे के सारे ऋणात्मक संख्या भी यहाँ पर ले लेंगे। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि x की वैल्यू 4 से 1 बटा 6 से छोटी समस्त पूर्णांक संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, डैश 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 डैश, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 और ये 4। या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो बेटा, जैसे मान लो आप 4 से शुरुआत करते हो, 4 से, क्योंकि 4 इसमें इंक्लूड है, 4 आप लेते हो, तो यहां से लेकर के इस साइड तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं, है ना, बाई तरफ की समस्त पूर्णांक संख्याएं। या इसी चीज को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कि x बिलोंग टू कहां शुरुआत हो रही है, माइनस इनफाइनाइट, माइनस से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है, कहां तक जा रही है, 4 तक जा रही है, ठीक है, कहां तक जा रही है, 4 तक, 4 आपने लिया है इसमें, बस समझ में। तो यहां पर ये ध्यान रखना, ये पूर्णांक संख्या ही है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जहां x बिलोंग टू इंटीजर्स है। तो ऐसे ही और भी पार्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको सिंप्लीफाई करने। तो डियर स्टूडेंट, 6.1 के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया, तो तीन अन्य क्वेश्चन सेम सेम वैसे ही हैं। अब मैं पांचवा क्वेश्चन पिकअप करूंगा, इसको बताने के बाद में 14 क्वेश्चन तक सेम सेम वैसे ही हैं। आपको होमवर्क है, आप उसको ट्राई करेंगे, फिर मैं 15 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो ध्यान दें, मैंने आपको बताया इनको आपको दिमाग में ये नहीं लगाना है कि ये कोई अजनबी बीच में आ गया, इसको आप एक तरह से दिमाग में बराबर ही समझें, जब तक कि निगेटिव से मल्टीप्लिकेशन या निगेटिव से भाग वाला संख्या आप ना देखो। तो इनको आप वैसे ही करो जैसे आप अभी तक बराबर वाले समीकरण को सरल करते हैं। 6x है, 4x है, मैंने 4x को इस साइड ले लिया, या 6x को इस साइड ले लो जैसा मन कहे। तो अगर इसको इस साइड लाओगे तो -6x हो जाएगा, और 3 को उस साइड ले जाओगे तो 7-3 हो जाएगा, असमिका के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बताया है, असमिका पे प्रभाव तभी पड़ेगा जब किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करो या भाग दो, अन्यथा ऐसे कैसे छाप देना। अब देखो 4x में से 6x गए, -2x आ गया, 7 में से 3 गए, 4x। अब यहां पर देखो बेटा, -2x आया, यहां 4 आया, देखो -2 है। अब मैं अगर दोनों तरफ -2 से भाग दूं, -2 से अगर मैं दोनों तरफ भाग दूं, तो देखो मैंने बताया कि जब माइनस से भाग दो या माइनस से गुणा करो तो असमिका का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, बदल गया, एक कट गया, और यहां पर कितना हो गया, -2। इसका मीनिंग ये हो गया कि x की वैल्यू क्या है, -2। एक तो यही आंसर हो गया, एक आंसर इसको संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हो, जैसे मान लो ये संख्या रेखा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, इस तरीके से यहाँ 1 है, आगे ऐसे होता जाएगा। तो -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, अब -2 पे देखो बराबर का चिन्ह लगा है, तो आप इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, -2 शुरुआत करोगे इससे बड़ा राइट साइड में कोई भी संख्या आप लिख सकते हो, तो ये जो है इसका इंडिकेशन है x इज ग्रेटर देन -2 का। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो संख्या रेखा पर लिख करके हुआ, अब इसको अंतराल रूप में कैसे लिखते हैं, x बिलोंग टू -2 से बड़ा, तो -2 पे छोटा ब्रेकट, अब बड़ा कहां तक, प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस हो या माइनस हो दोनों पे छोटा ब्रेकट, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, आंसर सेम है।
एक क्वेश्चन ये दिया गया है, तो मैंने आपको बताया है कि जैसे आप समीकरण को सरल करते हो वैसे ही करना है, तब तक कोई डिस्टर्ब नहीं होना है जब तक कि माइनस से गुणा या भागना आए, तो वैसे ही कर डालो इनको भी। x बाई फोर आ गया, तीन और पाँच का एलसीएम कितना हो गया बेटा 15 आ गया, तीन पचे पंद्रह, पाँच आया, पाँच से ऊपर गुणा करोगे तो आपका 25x आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, पाँच तीन पंद्रह, तीन आया ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 21x आ जाएगा, और चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अचिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने ना तो किसी माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, और ना ही माइनस वाली संख्या से गुणा भाग दिया है, तो एकदम समीकरण जैसा व्यवहार करेगा। तो x बाई फोर लेस देन 25x में से 21x घटाएंगे तो बेटा आपका 4x हो जाएगा, माइनस 10 में से माइनस 1 आ जाएगा, अब यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब फिर वही चीज है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस से इधर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तब भी समीकरण के चिन्ह में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैंने तिरछा गुणा कर दिया, लेकिन चूंकि ये प्लस वाला है तब भी यह समीकरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैंने बताया तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि निगेटिव ना आए, तो आपने इसको ऐसे कर दिया, तो कितना आ गया बेटा 15x लेस देन 16x माइनस 4, ठीक है। अब मैं 15x को उस साइड ले जाऊंगा, 4 को इस साइड ले जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस 4 इस साइड आएगा तो 4 हो गया, लेस देन गुणा में माइनस और भाग में माइनस आना चाहिए, तब असमीका का चिन्ह चेंज होगा, बाकी किसी में असमीका का चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब देखो इसका मतलब x की वैल्यू जो है ग्रेटर है किससे, 4 से, इसका उत्तर कितना आ गया, x की वैल्यू 4 से बड़ी। तो देखो अगर मैं इसको संख्या रेखा पर के रूप में हल लिखना चाहूं, तो मान लो यहां कहीं पर इसका 4 है, तो 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा मतलब इस साइड, ये चीज क्या दर्शाएगा, x इज ग्रेटर देन 4, या ऐसे जिस साइड मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो ये इस साइड मुंह खुला है तो x बड़ा है, चाहे इसको ऐसे लिखो या इसको लिखो ऐसे ही सेम है, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो यह x बिलोंग टू 4 कॉमा इनफाइनाइट पे में सा छोटा ब्रैकेट, और छोटा ब्रैकेट लगेगा कोई इसमें लेस देन ही है, इक्वल टू नहीं है, तो 4 कॉमा इनफाइनाइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि 15वां क्वेश्चन आपका से देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, क्योंकि 15 के बाद में जो 20 क्वेश्चन तक है बिल्कुल एज इट इज है, आप उसको ट्राई करेंगे एकदम 15 के जैसा है एग्जैक्टली आपका हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम है 21 की इनइक्वालिटीज पे कि रवि ने दो यूनिट परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किया है, पहले यूनिट टेस्ट में, दूसरे में 75 अंक प्राप्त किए हैं, वह न्यूनतम अंक ज्ञात करो जिसे वह तीसरी यूनिट टेस्ट में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर ले। पहले तो न्यूनतम का मतलब समझो, जैसे कोई व्यक्ति से आप कहते हो कि मेरे जेब में कम से कम 50 रुपए हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके जेब में कम से कम 50 का मतलब 50 तो है ही है, या 50 से ज्यादा भी हो सकता है, तो लिखने का तरीका बेटा ये होता है ना, आपकी जेब में 50 रुपए तो है ही है या 50 से ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूनतम 50 रुपए हैं, है ना, इस तरीके से हम इसको व्यक्त करते हैं, या कम से कम 50 रुपए मेरी जेब में है, इसका मतलब 50 तो है ही है, 50 से ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यही चीज है, अधिकतम 50 रुपए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जेब में अधिकतम 50 रुपए का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा तो 50 रुपए हैं या 50 रुपए से कम भी हो सकते हैं, तो इसका मीनिंग होता है अधिकतम 50 रुपए, इसका मतलब होता है न्यूनतम या कम से कम 50 रुपए, ठीक है, तो वही कहानी यहां पर आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि तीन यूनिट टेस्ट होते हैं, सॉल्यूशन देखना इसका बड़ा इजी सा है, पहला यूनिट टेस्ट है, सेकेंड यूनिट टेस्ट है, और ये थर्ड होने वाला है। पहली यूनिट टेस्ट में उसको मिला 70 अंक, दूसरे में मिला 75 अंक, तीसरे में हमें नहीं मालूम है, हमने मान लिया x अंक। तो कह रहा है कि इन तीनों का जो टेस्ट में नंबर मिले हुए हैं, अगर इनका औसत करूं, कितने नंबर आपके थर्ड यूनिट टेस्ट में लाने होंगे ताकि इनका औसत करूं, औसत मतलब इन सबको जोड़ करके जितने टेस्ट हुए हैं उतने से भाग देने का मतलब औसत होता है, इनका औसत जो है 60 अंक न्यूनतम हो, मतलब कम से कम इनका औसत 60 तो आए ही आए या 60 से ज्यादा आए, तो करने का तरीका हमने बताया इसे, यही तो है, कम से कम मेरी जेब में 50 रुपए हैं, तो मैंने क्या बताया 50 रुपए तो है ही है या 50 रुपए से ज्यादा है,
तो न्यूनतम 60 अंक, न्यूनतम मतलब कम से कम 60 तो आए ही आए, या 60 से ऊपर है, तो लिखने का तरीका ये हो गया। अभी इनको सॉल्व कर लो बेटा, कुछ नहीं करना। 70 70 145 ही हो गया दोनों मिलाकर के, प्लस एक्स, तीन है, तीन धनात्मक संख्या है, गुणा कर देंगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू 60 × 3 हो जाएगा। तो आपके सामने बेटा हो गया एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 180 − 145। तो आपके सामने हो गया एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 35। इसका मतलब जो तीसरी परीक्षा में उसको न्यूनतम कितना अंक लाना चाहिए, न्यूनतम अंक उसको कितना लाना चाहिए बेटा, 35। कम से कम उसको 35 अंक जरूर लाना चाहिए। अगर न्यूनतम 35 अंक लेके आता है तो एवरेज जो है उसका 60 अंक होगा, और 35 से ऊपर लाएगा तो 60 से ज्यादा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन। तो बेटा आपके सामने जो 22वां क्वेश्चन है वो जस्ट लाइक क्या है, 21st के जैसा ही है, और जो आपका 23वां क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके पास में इस वाली एक्सरसाइज के जो शेष दो क्वेश्चन बचेंगे वो कम्प्लीटली क्या है कि आपको इसी के जैसे लगेंगे, आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसको समझाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट को आप माइंड में रखो, एवरीथिंग विल बी इजी टू यू, राइट। सॉल्यूशन में आप ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। तो पहले तो दो संख्याएं आप रखो, युग्म मतलब जो दो दो का जोड़ा बनता है। तो हमने दो क्रमागत सम संख्याएं ले ली, क्रमागत सम संख्याओं का युग्म, सम संख्या का युग्म माना। एक तो हमने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। अगर x सम संख्या होगी तो इसके बाद में x प्लस 1 विषम होगी, x प्लस 2 तुम्हारी अगली सम संख्या होगी, है ना। x अगर सम है तो ऑब्वियस है कि अगली संख्या सम कब होगी, जब x प्लस 2 होगी। तो इसमें कह रहा है कि जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े होने चाहिए, मतलब x भी 5 से बड़ा होना चाहिए और x प्लस 2 भी 5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये दोनों संख्याएं 5 से बड़ी होनी चाहिए। पहली शर्त, उनका योगफल 23 से कम हो। उनका योगफल मतलब ये दोनों संख्याएं जो हैं इनका अगर मैं योग करूं बेटा तो 23 से क्या हो, ये कम हो, बस यही कहानी है। अभी इनको सॉल्व कर लो, ये दोनों समीकरणों को ध्यान में रखना है, बस अपने पास हो जाएगा। चलो देखो एक्स एक्स कितना हो गया बेटा, 2x प्लस 2 लेस देन 23। अब यहां पर हो जाएगा 2x लेस देन 21, तो यहां पर हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो तो 21/2, ये हो जाएगा आपके पास में 10.5, मतलब x की वैल्यू लेस देन 10.5। इसका मतलब एक बात तो हो गई, x की वैल्यू 10.5 से छोटी होगी। अब 10.5 से छोटी क्या क्या हो सकती है सम संख्या, एक तो हो सकती है 10, एक हो सकती है 8, एक हो सकती है 6, एक हो सकती है 4, एक हो सकती है 2, इस तरीके से होंगी। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि ये 5 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी कौन सी है, यही वाली, बस समझ गई, 5 से बड़ी भी, क्योंकि यहां पर आप क्या देखोगे, x इज ग्रेटर देन 3, 5 − 2 = 3, और 5 से बड़ी यहां 3 से बड़ी, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों में जो आ जाए, तो 3 से बड़ी और 5 से बड़ी, तो मतलब 5 से बड़ी कंडीशन जो दोनों को संतुष्ट हो, जैसे 3 यहां पर होगा 5 यहां पर होगा, तो 3 से बड़ी और 5 से बड़ी दोनों को कौन संतुष्ट कर रहा है, यही वाली रेखा जो दोनों को संतुष्ट कर रही है। तो 5 से बड़ी यहां और 10.5 से छोटी यहां, तो कौन कौन सी हो गई, 10 8 6 हो गई। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर x की वैल्यू मैं 10 लेता हूं, है ना, x की वैल्यू अगर मैं क्या लेता हूं, 10 लेता हूं, तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, तो x प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 12, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर x की वैल्यू मैं क्या लेता हूं, 8 लेता हूं, तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी, 8 × 2 = 10, 10, ये वाली पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल है, क्योंकि 12 जो हो जाएगी 10.5 से बड़ी हो जाएगी ना, तो 8 और 10। अब उसके बाद में अगर 6 लेता हूं, तो x में अगर मैं 6 लेता हूं तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, 6 × 2 = 8 हो जाएगी। बस समझ में आई, 10.5 से छोटी भी है और 5 से बड़ी भी है। अगर 4 लूंगा, 4 तो ले नहीं सकते, इस कारण से नहीं ले सकते क्योंकि 5 से बड़ी नहीं है। तो इसका मीनिंग कौन कौन सा युग्म बनेगा, एक तो बनेगा आपके पास में 8, 10,
और एक युग्म बनेगा बेटा 6.8। तो इस तरीके से बेटा जो ए असमिका इनइक्वालिटीज का जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हैं होमवर्क के लिए, उसको आप ट्राई करेंगे और कोई डाउट आता है या डाउट नहीं आता है दोनों को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि मैंने जो आपको सॉल्व करवाया है वो आपको समझ में आया है या। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस करने वाले हैं अब विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस, क्योंकि 6.1 के बाद सिलेबस में सिर्फ विविध प्रश्नावली वाले हैं और विविध प्रश्नावली में ऐसे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हमने अभी 6.1 में करवा दिया है। तो मैं वही क्वेश्चन अब करवाने जा रहा हूं जो कि तुम्हारे लिए डिफरेंट होगा, जिसको तुम्हारे लिए ऐसा होगा डिफिकल्ट होता है, तो उसको मैं करवा देता हूं। बाकी के क्वेश्चंस आप क्या है कि वैसे ही हैं जैसे 6.1 में आपने किए हैं, तो मुझे लगता है आप इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा सा भी आपको गाइड कर दिया जाएगा आप कर लोगे, और गाइड कर दिया है मैंने आप अब कर लेंगे। डाउट आएगा तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कितना आपने किया कितना नहीं किया। बाकी आज ए वाला क्वेश्चन जो विविध प्रश्नावली का 12 वाला है, थोड़ी सी डिफिकल्टी शायद हो सकती थी आपको, बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है बेटा, 8% बोरिक एसिड का एक बिलियन है, मतलब एक बोतल है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, शेष कोई दूसरा होगा लिक्विड, मिला करके 8% बोरिक एसिड वाला बनाया गया। यहां पर 2% बोरिक एसिड का बिलियन है, मतलब ए थोड़ा तेज है ए थोड़ा कम तेज है। तो कह रहा है कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मिला करके मुझे ऐसा बिलियन चाहिए जिसमें बोरिक एसिड 4% से ज्यादा हो लेकिन 6% से कम हो, इस तरीके से हमें चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि 8% वाला जो बिलियन था उसकी कुल मात्रा 640 लीटर है, तो आपको ये बताना है कि जो आपने 2% वाला बोरिक एसिड इसमें मिला करके इसको डाइल्यूट किया है, डाइल्यूट का मतलब होना है कि थोड़ा कम तेज है ना, थोड़ी मात्रा जो है दोनों की कम हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट मतलब होता है कि तेज जो ज्यादा तेज था वो कम हो जाए। तो ज्ञात कीजिए कि 2% बिलियन में बिलियन के कितने लीटर आपने इसमें मिलाए है ना, ताकि इसकी जो मात्रा है बोरिक एसिड की वो 4% से अधिक और 6% से कम रही। तो सोल्यूशन में बेटा हमने क्या काम किया, मैंने मान लिया कि माना 2% बिलियन का 2% है ना, 2% बोरिक एसिड बिलियन का मिलाई, बिलियन की मिलाई गई मात्रा हमने मान लिया बेटा वो कितनी है, एक्स लीटर है। कितनी मान लिया हमने, एक्स लीटर है, ठीक है। अब देखो ये कहानी सिर्फ बोरिक एसिड की है, तो अगर मान लो कि बोरिक एसिड 640 लीटर था, मतलब टोटल बिलियन 640 लीटर था, इस 640 लीटर में जो बोरिक एसिड था वो कितना था, 8% बोरिक एसिड था, ठीक है। और आपने जो एक्स लीटर बिलियन लिया है जिसमें बोरिक एसिड कितना है, 2%। जब आपने x लीटर लिया है तो इसमें बोरिक एसिड कितना लिया है आपने, 2%। इनको आपस में मिला दिया। अब मिलाने के बाद में जो टोटल बिलियन बन के आना चाहिए उसमें बोरिक एसिड की मात्रा, अब देखो दोनों को मिला दिया, जैसे 640 लीटर पहले था अब मिला दिया x लीटर, दोनों को मिलाया तो 640 प्लस x लीटर आ गया। तो जो 640 प्लस x लीटर है इसमें बोरिक एसिड की मात्रा जो है 4%, मतलब इसका परिणामी बिलियन की मात्रा टोटल में से टोटल जो 640 प्लस एक्स है का 4% बोरिक एसिड दे, और कम किससे हो, 6% बोरिक एसिड से, 640 प्लस एक्स, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है 640 लीटर क्या है कि टोटल वो बिलियन था जिसमें 8% बोरिक एसिड था, तो मात्रा बोरिक एसिड कितनी हो गई, x लीटर कुल मात्रा थी तो उसमें 2% बोरिक एसिड था, तो बोरिक एसिड की वैल्यू इतनी हो गई। दोनों को मिला करके हमने क्या है कि परिणामी बिलियन मालूम कर लिए। अब उसमें कह रहा है कि जो परिणामी बिलियन आए उसमें बोरिक एसिड की मात्रा 4% से ज्यादा हो 6% से कम हो, इन्हीं को सॉल्व करें। जब इस तरह की असमिका, दो असमिकाएं एक साथ में आती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वि असमिका वाला क्वेश्चन है ना। अभी हम इसके पहले बोले भी थे, बताए भी थे
है ना, डबल इनइक्वालिटी। तो पहले हम वन बाई वन करके देखो, 100 में सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 यहां से हट जाएगा, 100 से प्रत्येक पदों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 चूंकि धनात्मक है तो समीकरण चिन्ह में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 100 सबका हट गया, 100 सबका हट जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 शून्य शून्य, 8 चौका 32, 8 संग 48, 3 कितना हो गया 51 प्लस 2x, चलो ये वाला काम हो गया, लेस देन 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 सबका कट गया, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 शून्य शून्य, 6 चौका 24, 6 छंग 36, 2 कितना आ गया बेटा 38 आ गया, प्लस 6x आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं है, दो दो को लेकर के सॉल्व कर लो, पहले इनको लेकर सॉल्व करो, फिर इनको इनके लेकर सॉल्व करो, बस दोनों का रिजल्ट एंड ले लेना और कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4 शून्य शून्य, 4 चौका 16, 4 छंग 24, 1 25 प्लस 4x लेस देन, इसमें कितना आ गया 5120 प्लस 2x। अब 2x इस साइड ले आओ, इस बंदे को इस साइड ले जाओ, तो क्या आएगा 4x माइनस 2x लेस देन 5120 माइनस 2560। सिंप्लीफाई कर लिया, 2x लेस देन 0 में 0 गए 0, 12 में 6 गए 6, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4, 4 में 2 गए 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी बेटा, इसमें डिवाइड कर दो, 1 2, 2 2 4, 2 8 16, मतलब 1280 से x की वैल्यू छोटी होगी। और दूसरी केस में यहाँ जाओ, इनको बराबर करो, 5120 प्लस 2x लेस देन 324, 6 छंग 36, 39, 3840 प्लस 6x। एक्स वाला पार्ट उस साइड ले जाओ, बिना एक्स वाला पार्ट इस साइड ले जाओ, तो आपके सामने हो गया 5120 माइनस 3840 6x माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, करो बेटा, 0 में 0 0 आ गया, 12 में 4 गए 8 आ गया, यहाँ बचा कितना, 10 में 60 गए 2 आ गया, और यहाँ बचा 4 में 3 गए 1 आ गया। ठीक है, और ग्रेटर देन कितना हो गया 4x। अब दोनों तरफ मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 4 2 8 0 ग्रेटर देन x। तो इसका मतलब इस वाली असमिका में आपने देखा, असमिका नंबर 1 में देखा कि x की वैल्यू 1280 से छोटी है, यहाँ पर असमिका नंबर 2 में आपने देखा x की वैल्यू 320 से बड़ी है। तो असमिका 1 व असमिका 2 से क्या देखा कि x की वैल्यू 320 से बड़ी है, बट लेस देन क्या है 1280 है ना। किसका मीनिंग ये हुआ कि जो 2% बोरिक एसिड की मात्रा थी उसमें उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 320 से ज्यादा या 1280 से कम होनी चाहिए, ये आपकी रेंज होनी चाहिए। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, कंप्लीटली आपका लीनियर इनइक्वालिटीज के कुछ चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो मैंने अपने दिमाग में यही रखा है कि आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, बाकी एक दो पॉइंट कोई अगर मान लो मेरे माइंड से डेविएट हुए हैं और नहीं बताया है तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं उसको आने वाले एक वीडियो में अलग से बता सकूं। बाकी हमने ट्राई किया है कि हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पर कम्प्लीटली आपको बता दिया है, सेटिस्फाइड कर दिया है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे बच्चों को जरूर भेजना जिनको इनकी ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।